नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। बजट से हर वर्ग की उम्मीदें, लेकिन सत्ता के गलियारों में इस बजट को किस रूप में देखा जाता है, आइए जानते हैं। हम रुख करेंगे अलग अलग पार्टियों की ओर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर के उन पार्टियों का, सभी राजनीतिक पार्टियों में। हम जाने की कोशिश करेंगे और सुनते हैं कि इस बजट को लेकर के किस तरीके से अपनी बातों को रखती है ये पार्टियां। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया। यह बजट विकास को गति दिया, रोजगार को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिला को सशक्तिकरण करें। अगर एक लाइन में इस बजट को हम कहें तो सही अर्थों में यह बजट आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था वाला बजट का है, जो देश के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। यह बजट लोक लुभावना ना होकर भारत के नव निर्माण को भी दर्शाता है। इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का झारखंड की जनता, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ढेर सारी के द्वारा पांचवी बार पेश किया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट सरपरसी बजट है और ये बजट सेक्टर के हर एक क्षेत्र के लोगों को टेकअप कर रहा है, चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब व्यक्ति हो, महिला हो, उद्यमी हो। और जिस तरह से घोषणाएं हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार चाहती है कि ये बजट लॉन्ग रन में लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से हम लोगों को मिडिल क्लास को छूट मिली है, 7 लाख तक, 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है, तो ये ऐसा दिखाता है कि मिडिल क्लास के लिए सरकार खड़ी है। जिस प्रकार से MSME के लिए छूट मिली है टैक्सेशन में, मुझे लगता है कि ये चाहती है सरकार की छोटे छोटे उद्यमी पन पे, जिस प्रकार से चाइनीज मटेरियल पे बैन, उसको महंगा कर दिया गया, तो सरकार चाहती है कि हम लोग मेक इन इंडिया का जो नारा है उसको धरातल पे लाए। जिस प्रकार से महिलाओं को जो कर में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करके हुए रिलीफ दिया है सरकार ने, तो लगता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात यह सरकार कर रही है। और इन सब चीज़ों का अगर समावेश देखें तो मुझे लगता है कि बजट बैलेंस्ड है, अच्छा है और हर एक क्षेत्र के लोगों को टच कर रहा है। अगर बात की जाए महिलाओं की, आपने बात करी किचन की, कुछ चीज़ें जिसमें बढ़ोतरी हुई है, महंगी हो चुके हैं, उस पर क्या कुछ? नहीं, देखिए, जब भी बजट आता है तो कुछ चीज़ें महंगी होती है, कुछ चीज़ें घटती है। अभी देखिए, चांदी की आइटम महंगी हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, टीवी घट गई है, उसका कॉस्ट घट जाएगा। जो मोटे अनाज है उसको लेकर हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रीन एग्रीकल्चर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ का दूरगामी परिणाम दिखेगा। और जो चीज़ें सरकार की प्राथमिकताओं में है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा है, उसकी खेती में प्राथमिकता है, ताकि आने वाले दिन में इसका फ़ायदा सीधा सीधा किचन में महिलाओं को मिले, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गोड्डा विधायक अमित मंडल मौजूद थे। हम और लोगों से जुड़ेंगे, कुछ बुद्धिजीवी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे बजट की पोटली में क्या कुछ मौजूद है। वर्तमान बजट सराहनीय है और जनभावनाओं के अनुरूप है। इसमें मुख्य रूप से किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और ख़ासकर मध्य वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। हम इसका सराहना करते हैं। साथ ही साथ यह बजट विकसित भारत, सशक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो। तो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों को समझना होगा। और मैं फिर से कहूँगा कि जो बजट लोगों की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया भाजपा के लोगों ने। कोई कुछ नहीं है, कहीं कोई राहत नहीं है, केवल शोषण, दोहन। और ये कहीं
जो बजट आया ये अत्याचार करने वाला बजट है, लोगों को मारने वाला बजट है। इसलिए अब अगर लोग नहीं सुधरेंगे, कांग्रेस के बजट अगर आप तुलना कीजिएगा भाजपा और कांग्रेस में अगर तुलना कीजिएगा, तो जो बजट कांग्रेस पेश करती थी तो लगता था कि नहीं त्यौहार है, पर्व है, यहाँ तो मायूसी छाया हुआ है, कौन खुश है बताइए। तो एयरफेयर महंगा, बस टिकट महंगा, रेल टिकट महंगा, सब कुछ तो महंगा ही महंगा कर दिया आपने, जो लोगों से जुड़ा हुआ था। अब दे रहे सिगरेट महंगा सस्ता कर दिया, सिगरेट पिएगा तो क्या होगा लोगों का। तो इन सारी बातों पर मैं कहना चाहता हूँ, फिर से देश की जो फाइनेंस मंत्री हैं उसने लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को छलने का काम किया है। ये बजट एक छलावा है और कुछ नहीं। इसके भाजपा अपने बजट का दशक पूरा करने जा रही है। इस वर्ष अमृतकाल के बजट को लेकर के लोगों में बहुत कौतूहल था और प्रचार प्रसार भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन हासिल क्या हुआ? ढाक के तीन पात, घोर निराशा। न किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, न नौजवानों के लिए, न जवानों के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए। हाँ, हम दो, हमारे दो की सरकार के द्वारा लगातार जो बजट पेश किया जा रहा था, उसी प्रकार से इस बार भी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का बजट लाया गया है। और झारखंड वासियों के लिए तो बेहद निराशा हुई है। देश के 40% खनिज का हिस्सा झारखंड इस देश के बजट में आप समृद्धि में अपनी हिस्सेदारी निभाता है, लेकिन झारखंड को हासिल क्या हुआ? हमने तो सोचा था कि इस बार झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज का प्रावधान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी बजट में देखने को नहीं मिला। अभी तो शुरुआत है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि घोर निराशावादी बजट देश के जनता के समक्ष रखने का काम भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने किया। 143 करोड़ जनता की उम्मीद है ये बजट, और ऐसे में क्या बजट जो आया है वो लोगों की उम्मीद पे किस तरीके से खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात है। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये बजट वाकई, बजट की पोटली जब खुली है तो लोगों के लिए क्या कुछ सौगातें आई है, क्या आया है किसानों के लिए, क्या आया है मिडिल क्लास परिवार के लिए, क्या आया है महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ क्या आया है छात्रों के लिए, वहीं अपर क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए इस बजट में कौन सी सौगात आई है, अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा सबरंग समाचार।